हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक झा स्टडी मस्ती एंड आई एम दीपक सर। तो आ जाइए आप लोग क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज मेरा फिर से क्लास जो होने वाला है आज मेरा फिर से क्लास जो होने वाला है वो है साइंस क्लास का। तो आइए आप लोग वीडियो को ज्वाइन कीजिए और देखिए, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, इसलिए आप लोग जुड़ जाइए और जुड़ करके एक साथ में क्या कीजिए कि आप एक नोट कॉपी रखिए। आपको पता ही होगा नोट कॉपी रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, आज VVI क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ही आज क्लियर हो करके, आई मीन आप पूरा फ्रेश हो करके, माइंड को पूरा फ्रेश करके मेरे इस वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ उन छात्रों की जिन छात्रों का एग्ज़ाम होने वाला है। आपको पता होगा वो छात्र है 10th क्लास का, तो हो जाइए तैयार आप लोग, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होगा ही और आप लोगों की जैसे तैयारी चली है तो उससे कहीं और ज़्यादा आपको बेटर तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि इस साल सभी स्टूडेंट के लिए मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है होगा ही और तैयारी हुआ नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि इस साल में काफ़ी लॉकडाउन यानी कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आई है सभी छात्रों के लिए। मैं बोल रहा हूँ तो खासकर जिनका बोर्ड एग्ज़ाम, उनको तो ज़्यादा दिक्कत हुआ ही होगा, क्योंकि पढ़ाई हुआ नहीं और ऑनलाइन की व्यवस्था से पढ़ाई की गई है, तो उसमें तो आखिर जो आप ऑफलाइन में समझिएगा और ऑनलाइन में, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। और फ्री रहने पर क्या है कि जो भी छात्र फ्री रहा है तो वो ढंग का तैयारी नहीं कर पाया जो कि ऑफलाइन में पहले तैयारी कर पाता, यानी रेगुलर क्लास कर पाता। तो एक्चुअली रेगुलर क्लास अटेंड करने से प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर रेगुलर क्लास नहीं करते तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो खैर उसकी कोई बात नहीं है, सारा जो भी प्रॉब्लम हुआ मैं उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता हूँ, है ना। इसके लिए करना क्या होगा कि थोड़ा सा जम के तैयारी करना पड़ेगा। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन फिर से इम्पोर्टेंट होने वाली है, और हो ना हो कि इस बार फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, और पूछेगा तो आपका फिक्स है कि आपका रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा, रिजल्ट आपका आएगा। तो चलिए, आपको बहुत सारा समय हम ले चुके हैं, आप समय नहीं लेना चाहते हैं और आ ले जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो इसके लिए आप नोट कॉपी रखिए और उसको उतारिएगा जरूर, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको थोड़ा देख लेते हैं, आज क्वेश्चन क्या है। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इसलिए मतलब क्वेश्चन नंबर नहीं दिए, डायरेक्ट स्टार्ट चीज दिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, रक्त क्या है और इसके संगठन का वर्णन कार्य के साथ करना है, ठीक है। हमारा मेन क्वेश्चन यही, रक्त क्या है। आपको पता होगा रक्त, इसको इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, है ना। तो ब्लड, व्हाट इज ब्लड, है ना। एंड इसके संगठन का वर्णन जो होगा उसके कार्य के साथ हमको करना है। इसका वर्णन क्या है हमको पूरा विस्तार से डिटेल में आज हम आपको बताएंगे कि रक्त होता क्या है और उनका क्या वर्णन होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या कर रहा है, रक्त एक तरल सरल संयोजी ऊतक है, है ना। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त का संगठन एवं कार्य इस प्रकार है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट को मैं अगर ले लेता हूँ तो लाल रक्त कणिका, जिसको पता ही होगा RBC कहा जाता है शॉर्ट में, यह केंद्रक विहीन संरचना है और इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है, जिससे रक्त का जो रंग होगा, रक्त का जो रंग होगा ना वो कैसा होगा, लाल दिखता है। और यह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है। तो बिल्कुल सही बात है, आपको पता होगा RBC यानी रेड ब्लड होता है ना, लाल रक्त कणिका है। तो लाल रक्त जो कणिका होगा, तो सीधी सी बात है कि अब लाल की चर्चा हो रही है तो ब्लड कैसा होता है, लाल ही होता है। तो यहाँ जो होगा कारण है कि लाल होता क्यों है, क्वेश्चन सबसे एक आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डाल देता है कि ब्लड जो है सो लाल क्यों दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है इसलिए ब्लड जो है सो लाल दिखता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है जिससे रक्त का रंग जो होगा लाल दिखता है, और यह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक भी है, कौन, RBC, जिसको लाल रक्त कणिका कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है श्वेत रक्त कणिका, जिसको इंग्लिश में WBC कहते हैं, और यह केंद्रकीय रचना है, यह केंद्रकीय रचना है और यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो हमारे अंदर जो जीवाणु होगा, जो हानिकारक जो हमें लॉस देता है उसको क्या करता है, नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है, तो RBC, ठीक है, श्वेत रक्त कणिका है वो काम करता है, ठीक है। तो इसका एक दो और पॉइंट है, मैं आपको दो पॉइंट बताता हूँ इसी में, इसलिए वीडियो बने रहे। दोस्तों देखिए हमारा जो अगला पॉइंट होगा ये रक्त क्या है और रक्त का जो वर्गीकरण आपको बता रहे थे ना, उसी का तीसरा पॉइंट है। इसमें चार पॉइंट मुझे आपको बताना था, मैं आपको दो पॉइंट बताया, दो और पॉइंट है उसको थोड़ा सा केयर कीजिए और मैं आपको बताता हूँ दो पॉइंट वो क्या है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि पट्टी कानु कोशिकाएं, ये क्या देख लीजिए, पट्टी कानु कोशिका जो होगा यानी कि यह छोटी गोल रचना है, कैसी रचना है, छोटी गोल रचना है और यह रक्त का थक्का बनाता है। देखो रक्त को
थक्का बनाती है, यही पट्टी कानों को सिखा, यही रक्त को थक्का बनाना, मतलब समझते हो, ब्लड को जमा कर देना, पता है ना। नहीं ब्लड आपको पता होगा, जब चोट लगता है, जब चोट लगता है तो देखिएगा वो लाल हो जाता है, तो यही तो है पट्टी कानों, यही है पट्टी कानों को सिखा, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड को क्या कर देता है कि जाम कर देता है, थक्का बना देता है, वहाँ का ब्लड उतना दूर में जितना जहाँ आपको चोट लगेगा एरिया भर में क्या करेगा, ब्लड को जमा कर देता है, जमा करके उसको जाम कर देगा, कहीं ना सर्कुलेशन रोक देता है, ठीक है। मतलब सर्कुलेशन वहाँ तक रहेगा जहाँ तक चोट लगा हुआ है, वहाँ का ब्लड को जाम करके थक्का कर देता है, ठीक है। यानी जैसे जमा देना, जैसे दही नहीं जमता है वैसे ही इसको जमा देता है, अब ब्लड का दही जमाना हुआ ना तो उसको जमा कर क्या करता है कि वहाँ पे वो थक्का बना देता है। तो यही है पट्टी कानों को सिखाए के बारे में, ठीक है। आप इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि ऐसा फिजिकली ऐसा सबके साथ होते रहता है, क्या आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी बहुत सारा हुआ है, कई बार तो हम लोग खेलने भी गए तो कई बार मार खा करके आते थे, ऐसा नहीं कि मारवो करते थे, लेकिन मार खा करके भी आते थे, तो वहाँ पर मतलब कहीं कहीं चोट लगता था, तो यही तो होता है, कहता है ना, जैसे आप मान लीजिए कहीं कुछ किए, सुन लीजिए स्टोरी बहुत अच्छा है, कहीं कुछ जाते हैं खेल लेते हैं या कुछ भी करते हैं फ्रेंड के साथ, अगर आपको कहीं चोट लग जाता है तो निशान हो जाता है, आपको पता होगा। जैसे कि एक बार मुझे पता है कि मैं खेलने गया था, हमको यहाँ जो है यहाँ चोट लग गया था, ठीक है। तो यहाँ जहाँ चोट लगता है वहाँ देखना ढीरर जिसको कहते हैं ना, निकल जाता है या कहीं ना कहीं आपको लाल हो जाएगा, तो लाल जहाँ होता है देखिएगा वहाँ ब्लड जो है, सो ब्लड चोट लगते क्या होता है, जैसे मान लीजिए ब्लड का सर्कुलेशन लगातार मान लीजिए हो रहा है, उसमें कहीं आप चोट लगाइएगा तो ब्लड जो जहाँ जो चोट लगता है वो स्थान कि क्या है कि वो भरने लगता है, जिसके कारण ब्लड जो थोड़ा ऊपर सतह ऊपर की ओर आने लगता है, इसी कारण बाहर से ही ब्लड दिखाई देने लगता है, और वही जो है हमारा पट्टी कानों जो कोशिका हुआ वो क्या करता है तो उसको वो थक्का बना देता है, जमा कर देता है, इसलिए अलग से ही पता चल जाता है कि वो मार खा के आया है कि कहीं चोट लगा है, जो भी हो वही निशान जो है वो पता करा देता है कि चलो ये तो बंदा पिटाई खा करके आया है, पीट करके आया है, जो भी है, चाहे चोट जरूर लगा करके आया है। तो यही चीज़ है, इसको आप बता दीजिए आपको, क्योंकि ये सबके साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी मेरे साथ भी हुआ ऐसा, कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, और क्योंकि यही तो है कि अब चोट लगेगा तो क्लियरली बता देगा कि भाई चोट तो जरूर तुमको लगा है कहीं ना कहीं, तो क्योंकि ब्लड जो है सो आखिर इतना है, यहाँ पर जाम कैसे हो गया, थक्का कैसे बना हुआ है, तो यही है पट्टी कानों को सिखा, इसका ही काम होता है बेचारा, बोले क्या करता है ब्लड को दही जमा देता है ना। आगे देखिए प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के बारे में जानिए। यह रक्त का तरल भाग है, इसमें विभिन्न घटक तैरते हैं। यह क्या है कि रक्त का यानी कि जो ब्लड है उसका तरल भाग हुआ, तरल ये भाग यही प्लाज्मा होता है, और इसमें विभिन्न घटक तैरते हैं, और यह सीरम एक रुधिर प्लाज्मा भी होता है। आप जान लीजिए सीरम के नाम सुने होंगे, यह एक रुधिर प्लाज्मा है, और इसमें जो घटक है बहुत सारे क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, और यह एक तरल भाग होता है प्लाज्मा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है अक्सर, ये अक्सर देखे हैं कि प्लाज्मा क्या है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको रक्त में ही प्लाज्मा के बारे में बता दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए पूछ देता है कि प्लाज्मा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि यह रक्त का तरल भाग है, और इस विभिन्न भाग जो है घटक जो है क्या करते हैं, तैरते हैं, और सीरम एक रुधिर प्लाज्मा होता है। ये अगर आप लिख देते तो आपका आंसर एकदम सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता है, और आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए मनुष्य में श्वेत रक्त कणों की संख्या कितनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, मनुष्य में श्वेत रक्त कणों की संख्या लिखना है, तो मनुष्य में श्वेत रक्त कणों की संख्या जो होगा वो 5000 से लेकर के 10000 तक के बीच में होता है, ठीक है। नहीं बीच में नहीं, 5000 से 10000 प्रति घन मिलीमीटर होता है, जान लीजिए प्रति घन, घन समझते हो ना, क्यू में होगा, स्क्वायर में नहीं, क्यू में, प्रति घन वर्ग मिलीमीटर होगा जो हमारा ये होगा, क्या चीज की, श्वेत रक्त कणिकाएं के बारे में, ठीक है। इसलिए मैंने दे दिया यहाँ पे श्वेत रक्त जो कणों की संख्या उसकी 5000 से 10000 तक प्रति घन मिलीमीटर होती है मनुष्य के शरीर में, जान लीजिए बहुत है, कम नहीं है, है ना। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन बताया, और आगे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और कुछ ना कुछ आप सीख जरूर रहे होंगे, क्योंकि देखिए कभी भी आप कहीं भी कुछ जब जहाँ आप टाइम एक्सपेंस करते हो तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो सीखने का जरूर मौका मिलता है। टाइम एक्सपेंस कीजिएगा तभी सीख पाइएगा, टाइम एक्सपेंस नहीं कीजिएगा तो क्या सीखिएगा। आप यहाँ आए हैं आज दौड़ भाग गया तो क्या सीखिएगा, कुछ सीख पाइएगा नहीं, इसलिए आप टाइम थोड़ा दीजिए, और उम्मीद है कि आप सीखिएगा। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है तो एकदम आप आँख बंद करिए, एकदम लिख दीजिए, आपको नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो लास्ट है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा, तो देखिए इसमें इसको देखिए और सीखिए, ठीक है। तो और लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं को अंगरक्षक क्यों कहा जाता है, यानी जो हमारा आरबीसी था उसको बॉडीगार्ड क्यों कहा जाता है, बॉडीगार्ड अंगरक्षक, ठीक है। देखिए क्यों कहा जाता है, तो देखिए
क्यों नहीं कहा जाएगा भाई? जब कोई रोगाणु हमारे शरीर में पहुंचता है तो श्वेत रुधिर कणिका है उसका भक्षण कर लेता है, खा जाता है, समझ गया? और इस कारण ही उन्हें भक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि भक्षी है, खाने वाला है, भक्षण कर जाता है, क्योंकि ये रोगाणु को नष्ट कर देता है। आपको पता होगा आरबीसी के बारे में बताएं, रोगाणु को नष्ट कर देता है और इस कारण रोगाणु हमारे शरीर में रोग नहीं फैला पाता और रोगों से रक्षा करने के कारण ही इन्हें अंगरक्षक कहा जाता है। ये रोग से रक्षा करता है आरबीसी, इसी अब मान लीजिए कोई रक्षा करेगा तो उसको क्या कहेगा, अंगरक्षक कहेगा कि ना कहेगा? बॉडीगार्ड किसको कहते हैं, जो जो आपको रक्षा करे, जो आपको सेफ्टी दे, उसको बॉडीगार्ड कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये भी हमारा आरबीसी जो है वो एक बॉडीगार्ड है जो दूसरे रोग को आने ही नहीं देता है, आता है तो उसको क्या करता है, भक्षण कर जाता है, खा ही जाता है और इस तरह आपको अन्य रोग से आपको बचाता है। इसलिए क्या है, अंगरक्षक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अंगरक्षक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना? अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, आप लाइक नहीं करते इसका मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है, तो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता तो लाइक नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस चैनल पे हो तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और कहीं अच्छा लगने वाला वीडियो अगर मैं डालूंगा तो वो अगर आपको अच्छा लगेगा तब उसको लाइक कर दीजिएगा। तो इसके लिए अगर आपको मेरा वीडियो अगर आपको देखना है तो आपको कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम शेयर कर दीजिए, यहाँ से जहाँ तक कर सकते जितना आप क्षमता उतना शेयर कीजिए और कमेंट करके पूछिए कि भाई आप जो बताएं कैसे करता है क्या करता है, जो भी डाउट एकदम पूछ दीजिए, हम आपको बताने के लिए तैयार है। ठीक है, अपना नया मोबाइल नंबर भी आपको दे दूंगा, आप व्हाट्सएप करते रहिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर नए वीडियो में आते हैं नए टॉपिक के साथ और थोड़ा सा मिजाज वाला क्वेश्चन लेकर के आएंगे ताकि आपको मिजाज को फ्रेश कर देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं, फिर नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।